तरह का तैयार करने जाना, फिर आईएएस वीएस बनना है। अच्छा आईएएस भी बनना है। मतलब वो जो स्कूल में जाते हैं ना, वो छोटा सोच के लड़के रहते ही नहीं है, उनका जहन में आईएएस और आईपीएस चलता है। नेतर आर्ट को पता होगा कि क्या लेवल रहता है, इसको मिनी यूपीएससी भी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, इसी वजह से इसको यूपीएससी से जोड़ा जाता है। अभी सेंटर पड़ा है नेतर आर्ट का, पता होगा कि आज नेतर आर्ट का एग्जाम है, तो उसके उपलक्ष्य में देख सकते हैं गार्जियन लोग खड़े हुए हैं अभी रिसीव करने के लिए। स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के आएंगे तो स्टूडेंट्स से जरा रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे, क्या पैटर्न था प्रश्न का, किस लेवल का प्रश्न था, तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक स्टूडेंट से बात करेंगे और आपको बताएंगे। देख सकते हैं सब स्टूडेंट लोग निकल रहे एग्जाम देकर के। सर क्या नाम हुआ आपका, एक मिनट, कैसा एग्जाम का पैटर्न था? सर रीजनिंग था। अच्छा रीजनिंग था, कैसा लगा एग्जाम देने में, कैसा गया आपका एग्जाम? शानदार गया। क्या नाम हुआ सर आपका? ऋतिक कुमार। कैसा, कोई प्रश्न याद होगा आपका? हाँ, कौन सा प्रश्न है बताइए? रीजनिंग था, मैथ था और हिंदी था। अच्छा एग्जाम गया ना, सिलेक्शन हो जाएगा ना आपका? चलिए बढ़िया है, सिलेक्शन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा है बच्चों के अंदर दिख रहा है, जो कि एग्जाम देकर के नेतर आर्ट को पता होगा कि क्या लेवल रहता है, इसको मिनी यूपीएससी भी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, इसी वजह से इसको यूपीएससी से जोड़ा जाता है। तो देख सकते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? आर्यन। कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कोई प्रश्न याद होगा आपको? हाँ। क्या नाम बताइए, याद होगा बताइए कोई प्रश्न? ये क्या तो था, ये एनिमल इंडेंजर्ड में क्यों है? अच्छा काफी शानदार, याद है, थोड़ा घबरा जा रहे हैं, तो बढ़िया एग्जाम गया ना, सिलेक्शन हो पाएगा ना आपका? चलिए, कैसा तैयारी था आपका एग्जाम के पहले? अच्छा तैयारी था। अच्छा तैयारी था, कितना घंटा पढ़ाई करते थे पहले? 2 घंटा। 2 घंटा डेली कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते थे, अगर पढ़ाई अच्छा किए होंगे तो शानदार एग्जाम गया होगा। क्या नाम हुआ छोटे आपका? प्रतीक कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में पढ़ते। देखिए नेतर आर्ट का एग्जाम देने आए हैं, कैसा तैयारी था आपका? अच्छा था। अच्छा था, क्या लगता है सिलेक्शन हो पाएगा आपका? गजब गजब, कहाँ से आप आए हैं एग्जाम देने? बोकारो से। बोकारो से, लोग दूर दूर से आए हैं, धनबाद बोकारो बहुत दूर दूर से सेंटर पड़ा है, जो कि यहाँ देख सकते हैं लोग, गार्जियन लोग काफी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। बने रहिए हमारे साथ, इधर आइए सर थोड़ा सा हल्का। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील चौधरी। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया। कोई प्रश्न याद होगा आपको? हाँ। कौन सा बताइए? रोलेटेक। रोलेटेक कब हुआ था ये पता है? नहीं, 19 मार्च 1919। चलिए काफी शानदार जवाब है। तो प्रश्न का लेवल का था, जो अपेक्षा किए थे उससे ज्यादा था कि उससे कम था? उससे कम था, सिलेक्शन हो जाएगा आपका? हाँ। गजब, लेकिन कॉन्फिडेंस तगड़ा यही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर डर होना हो जाता है, डर हो जाता है तो लोग भूल भी जाते हैं, तो आपके अंदर डर नहीं था एग्जाम? नहीं। एग्जाम जब जा रहे तो कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। डर तो लग रहा होगा? नहीं उतना नहीं था। हाँ डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है यदि आपके अंदर है तो आप नहीं भूलेंगे। चलिए इधर आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साकिब अंसारी। आप कहाँ से आए एग्जाम देने? ग्रेडे से। ग्रेडे से। हाँ। क्या लगता है सिलेक्शन हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए कितना दिन से तैयारी कर रहे थे नेतर आर्ट का? 1 साल लगभग। 1 साल? हाँ। चलिए ये काफी हाई लेवल का एग्जाम, 1 साल से तैयारी करते हो, एग्जाम हो जाएगा मतलब सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ। चलिए काफी शानदार है। क्या नाम हुआ आपका सर? उज्जवल कुमार। आपका सिलेक्शन होगा? हाँ। चलिए चलिए, आप जो देख रहे हैं वीडियो, जो करना चाहते हैं तैयारी, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करें जो उनका भी सिलेक्शन हो पाए? कड़ी मेहनत करे। अच्छा रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ना? हाँ। डेली आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 6 घंटा। 6 घंटा, वाह गजब, 6 घंटा पढ़ाई करते थे। तो, हाँ क्या नाम हुआ सर आपका? नीतीश। आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 8 घंटा। 8 घंटा? हाँ। गजब, 8 घंटा पढ़ाई करते थे। कैसे आपका एग्जाम गया? बढ़िया गया। बढ़िया गया, सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ। चलिए काफी, ये पूरे झारखंड से 100 स्टूडेंट पूरे झारखंड से 100 स्टूडेंट यहाँ गिने चुने जाते हैं, जो कि 2300-2400 फॉर्म प्रत्येक वर्ष भराता है, और उसमें से 100 बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं यूनिक एग्जाम होता है, लेवल काफी टफ रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अस्मित गुप्ता। कैसा आपका एग्जाम गया? मेरा अच्छा गया। सिलेक्शन हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। चलिए कोई सवाल आपको याद होगा? याद? हाँ हाँ कुछ कुछ याद है। बताइए कोई सवाल। जैसे एक था बैटल ऑफ प्लेसे कब हुआ था? हाँ। तो और भी था बट उतना याद नहीं। याद नहीं है, भूल जाते हैं, कितना याद रहेगा। चलिए प्रश्न मिला है, दिखाइए जरा। प्रश्न नहीं मिला, वो समेट ले गया। हाँ सब ले लिया। चलिए बढ़िया है, शानदार। इधर क्या नाम हुआ सर आपका? अनुपम कुमार। कैसा आपका एग्जाम गया? बहुत अच्छा गया। सिलेक्शन हो जाएगा आपका? लगता तो यही है। लगता यही। कितना घंटा पढ़ाई करते थे एग्जाम के पहले आप? एग्जाम के पहले 1-2 घंटा पढ़ाई करता था। 1-2 घंटा, इतना कम क्यों? 1-2 घंटा क्यों? मतलब जो मन लगा के पढ़ाई करता है, 2 घंटा उसके लिए काफी होता है, क्योंकि सिलेबस जो है से इन्हीं के माइंड के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि ये 6 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 7 क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
पृथ्वी। हाँ पृथ्वी जी, आप कैसा एग्जाम गया आपको बता सकते हैं आप? अच्छा गया। अच्छा गया, सिलेक्शन हो पाएगा आपका। सर आप 100 स्टूडेंट को गिने चुने लेना है, तो क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर है जो 100 बच्चे के अंदर आप आ पाएंगे, क्या गारंटी है? एग्जाम देकर के निकल गए ना सर, आप पता होगा ना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप? सात को मतलब दो को छोड़ दिया। सब्जेक्टिव टाइप में था? हाँ। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में आया करता था ओएमआर सीट में, लेकिन उसको पैटर्न चेंज कर करके जो है सो सब्जेक्टिव टाइप में बना दिया गया है ना सर। काफी शानदार एग्जाम जो है देख सकते हैं ये। सर आपका? समीर अंसारी। आपका एग्जाम कैसा गया? बढ़िया गया। बढ़िया गया। हाँ। तो जो नए नए विद्यार्थी आ रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं कि हमको भी नेत्र आर्ट का एग्जाम तैयारी करना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई करें बढ़िया से, रेगुलरली पढ़ाई करें। हाँ। और जो टीचर पढ़ाते हैं उनका अनुपालन करें, अरे हाँ। रूटीन से पढ़ाई करें। हाँ। है ना। हाँ। तो कैसे सोच में आया, कैसे दिमाग में आया कि हमको नेत्र का तैयारी करना है और वहाँ जाना? नेत्र का तैयारी करने जाना, फिर IAS बनना है। अच्छा IAS भी बनना है। हाँ। मतलब वो जो स्कूल में जाते हैं ना, वो छोटा सोच के लड़के रहते ही नहीं है, उनका जहन में IAS और IPS चलता है, कहीं ना कहीं यही लेवल का पढ़ाई भी होता है। काफी शानदार है, बच्चों से मैंने बात किया, काफी शानदार लगा, लोग कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, यही होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? तौफीक अंसारी। आपका कैसा एग्जाम गया? एग्जाम मस्त गया। कहाँ से आप आए एग्जाम देने? धनबाद से। धनबाद से। हाँ। सर कैसा तैयारी रहा एग्जाम के पहले आपका, ये बता सकते? तैयारी बहुत अच्छा था। अच्छा था। हाँ। कितना मतलब अटेम्प्ट किए? टोटल क्वेश्चन। टोटल? हाँ। काफी शानदार टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस प्रेशर में, उस डर लग रहा था ना? नहीं 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 सर, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं डर रहा था। बच्चे डर जाते हैं। चलिए